आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जॉनसन एंड जॉनसन ने यह बोला है कि वो अपने टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर को डिसकंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे एक एक चीज को, चलिए हम जानते हैं। आपको पता है कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो बेबी पाउडर है, इसकी जो खुशबू है, ये 1894 से हमारे दिलों पर राज कर रही है, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी, कहते हैं ना कि जब आप अगर किसी बेबी से रिलेट करते हो तो आप वो जॉनसन एंड जॉनसन से करते हो। इतनी प्यारी खुशबू है इसकी, मतलब मजा ही आ जाती है कि लगता है कि भाई भाई बच्चों से ऐसी ही खुशबू आती होगी। तो जॉनसन एंड जॉनसन भैया, इनकी मोनोपॉली थी, लेकिन अब ये अपने पाउडर को कंटिन्यू करना बंद कर देंगे, दे विल डिसकंटिन्यू, ठीक है। और जो कंपनी है दैट विल स्टॉप इट्स बेबी पाउडर, टैल्कम बेबी पाउडर 2023 से, और ब्रांड जो है इट विल बी रीबॉर्न। अब ये बोल रहे हैं कि हम कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर लॉन्च करेंगे, यानी कि अपने टैल्कम पाउडर को, टैल्क पाउडर को ये बंद करेंगे और कॉर्न बेस्ड पाउडर ये लॉन्च करेंगे। रिपोर्ट क्यों? क्योंकि इनके ऊपर 38,000 नहीं, लगभग 40,000 के करीब लॉसूट्स जो हैं वो चल रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर 40,000 से ज्यादा लोगों ने मुकदमा किया हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि भाई इनमें है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस किस चीज के लिए यूज होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लास्ट में मैं इसका आंसर देता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि इसमें जो एस्बेस्टस यूज होता है वो कार्सिनोजिक है, यानी कि उससे होता है कैंसर। और ऐसा महिलाओं ने बताया है कि हमको ओवेरियन कैंसर तक हो गया है, यानी कि इट इज नॉट सेफ फॉर दी बॉडी। अब जॉनसन एंड जॉनसन कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, बिल्कुल सेफ है ये, आप क्या बात कर रहे हो, एकदम मस्त है, आप इसको यूज करो, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। लेकिन लोगों का कहना है नहीं भाई, 40,000 से ज्यादा मुकदमे, तुम समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हो गए यार। मतलब जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो बोल रहे हैं भाई ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। एक और चीज जो आपको जाननी है वो है एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी की अब क्लासेस जो है वो 22 तारीख से होंगे, 22 नेक्स्ट वीक से, तो नेक्स्ट वीक से क्लासेस होंगी। अब आप ये समझिए कि आपको कूपन कोड यूज करना है एनसीईआरटी, अभी हमने इस पे 25% ऑफ चलाया है, लेकिन याद रखिएगा कि 22 तारीख से प्राइसेस डबल हो जाएंगे। हिस्ट्री को हम पूरा का पूरा अपडेट कर रहे हैं, और जैसे ही अपडेशन शुरू होगा वैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे, तो 22 तारीख तक आपके पास डेट है, ये हमने एक हफ्ता थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। टैल्क क्या होता है? टैल्क बेसिकली बहुत ही सॉफ्ट होता है, आपने देखा होगा ना कि आप टैल्कम पाउडर लगाते हैं तो ये धरती के नीचे ही मिलता है, इसको आप निकालते हो अपनी बॉडी पे लगाते हो, और टैल्कम पाउडर बहुत ही सॉफ्ट मिनरल होता है, और समझिए इसमें होता है हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट। तो ये क्या करता है ना, सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ना आपके क्रैक्स होंगे, ना जो कहते हैं कि मतलब एक तरीके से जो बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब बेबीज की बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी पाउडर आप लगाते हैं ताकि आपकी स्किन ड्राई रहे, पसीना सीना नहीं आता, आपने अक्सर देखा होगा, है ना। तो सारा का सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए, अमेरिका का जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बहुत सारे कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जैसे बेबी पाउडर हो गए, लिपस्टिक हो गए, आई शेडोज हो गए, फाउंडेशन हो गए, इसको जो है वो यूज किया बहुत ही वैरायटी फॉर्म में, है ना। अब देखिए, जब आप, जैसा कि मैंने बताया, इसको जब आप फाइन पाउडर में एकदम पाउडर टाइप का बना देते हो तो बदल जाता है सब कुछ, और आपका पूरा का पूरा मॉइस्चर छूमंतर। अब यहां पे बहुत सारे लॉसूट्स जो है फाइल हुए हैं, इन्होंने बोला कि भाई कैंसर होता है और इसमें एस्बेस्टस है, और ये है कार्सिनोजिन, यानी कि इट इज कैंसर कॉजिंग एजेंट। अब एस्बेस्टस की बात करें, चलिए मैं बता देता हूं, ये आपका फ्लोर, टाइल्स, इन सब में एस्बेस्टस जो है वो यूज होता है, एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है ये। तो अब एस्बेस्टस ये भी एक मिनरल है, समझ रहे हो, ये भी एक नेचुरल अकरिंग सिलिकेट मिनरल है, जो कि आपको नियर टैल्क डिपॉजिट, यानी कि इधर टैल्क है और बगल में आपको एस्बेस्टस मिल जाएगा। तो कई बार जो है टैल्क और एस्बेस्टस जो है दोस्ती कर लेते हैं, और दोनों का मतलब एस्बेस्टस टैल्क को कंटामिनेट कर देता है। अब ये पाया गया है कि जो एस्बेस्टस होता है उससे होता है कैंसर। अब यही दिक्कत है, यहां पे कंटामिनेशन है टैल्क विथ एस्बेस्टस, तो बोला है कि भाई कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, मेसोथीलोमिया हो सकता है, यानी कि अगर आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आया तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए काफी ज्यादा डेंजरस है। अब हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि एस्बेस्टस फ्री टैल्क हार्मफुल होता है कि नहीं, अभी इस पर भी रिसर्च चल रही है, लेकिन पीडियाट्रिशियंस ने बोला है कि आप इसको बिल्कुल भी यूज ना करें, बेबीज पे तो बिल्कुल यूज ना करें,
अगर मान लीजिए कि एस्बेस्टस भी है तब भी आप टैल्कम को यूज ना करें, समझ रहे हो? तो ये चीज डॉक्टर्स जो है वो बोलते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि 1894 से ये कंपनी जो है ये दिलों पे राज कर रही है, लेकिन उससे 1990 के बाद एक के बाद एक इन पर लॉ सूट्स फाइल हुए हैं। और हालांकि इन्होंने समझिए कि जब ये लॉ सूट्स फाइल हुए तो कुछ ऐसे लॉ सूट्स भी थे, क्योंकि कंपनी ने बोला कि कोई भी एस्बेस्टस नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। टेस्ट कंडक्ट किए गए और इनफैक्ट टेस्ट भी इन्होंने पब्लिक नहीं किया, हालांकि एक टेस्ट इन्होंने अपनी बॉटल पे किया था, ये 2020 में इन्होंने पब्लिक कर दिया था, लेकिन बाकी टेस्ट को इन्होंने पब्लिक नहीं किया था, समझ रहे हो? तो वो एकदम छुपा के रखा, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इसी वजह से काफी ज्यादा लॉ सूट्स फाइल हुए कि हम बीमार हो रहे हैं, हमको कैंसर, हमने बचपन में लगाया था, हम कैंसर से पीड़ित हो गए हैं। तो 40,300 के करीब लॉ सूट्स फाइल हुए और जॉनसन एंड जॉनसन ने एक औरत को $3.5 बिलियन सेटलमेंट्स दिए हैं, समझ रहे हो? तो आप देख ही सकते हो ये केसेस जो है वो लगातार चलते जा रहे हैं। तो अब इन्हीं सब का ही नतीजा है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने बोला कि भैया हटाओ, हमको अब इस पचड़े में नहीं पड़ना है और अब हमको पाउडर निकालना ही नहीं है। अब जॉनसन एंड जॉनसन ने यही बोला है, देखो वैसे तो इनका कहना यह है कि पाउडर बिल्कुल सही है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि हमारी सेल बिल्कुल बंद हो गई है। अब जॉनसन एंड जॉनसन इन्हीं सब चीजों की वजह से अमेरिका कैनेडा में कोई यूज नहीं करता है और अमेरिका कनाडा में ये डिसकंटिन्यू भी करने जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी बाकी देखिए लॉ सूट्स तो बहुत ज्यादा है, तो इसकी हियरिंग अभी 19 सितंबर को होगी और देखेंगे क्या होता है। बट बड़ी बात यह है कि भैया थोड़ा टैल्क पाउडर से बच के रहें, अपने बच्चों को भी थोड़ा सा कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स यूज करें जो हार्मफुल ना हो, राइट। ये लेक्चर था और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें और जॉनसन एंड जॉनसन से थोड़ा सा यू नो खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।